हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रहस्य उद्घाटन करने चल रहा हूं और आपको बताने चल रहा हूं कि होता क्या है कि हमारे यहां जो है, हमारे प्रदेश में जो आदेश आते हैं वो आदेश प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचते पहुंचते वो आदेश समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि सारे आदेशों की पहुंच उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक नहीं जा पाती है। बहुत सारे ऐसे दूर दराज के हमारे अध्यापक भाई हैं जहां पर कोई सूचना नहीं पहुंचती है, कोई आदेश नहीं पहुंचता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है सिर्फ आदेश का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई बड़ा आदेश आए तब हम उस पर कार्य करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीक्षा ऐप पर जो ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया चल रही है ये आज से नहीं, काफ़ी समय से चल रही है और इसके संबंध में काफ़ी आदेश भी आते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा सोशल मीडिया सक्रिय होता जा रहा है आदेश आपके पास तक पहुँचने लगे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीक्षा पोर्टल पर जो प्रशिक्षण मौजूद हैं उसका चाहे आपको आदेश मिला हो या ना मिला हो, आप धीरे धीरे करके उनका प्रशिक्षण पूर्ण कर लीजिए। उन प्रशिक्षण से आपको बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। आपको ध्यान देना है कि दीक्षा ऐप पर जो प्रशिक्षण है जिनके नीचे सहज लिखा हुआ है, सहज तो बहुत सारे के नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे प्रशिक्षण हैं जिसके जो है लास्ट में लिखा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGVB लिखा हुआ है, उनको आपको नहीं करना है। बाकी जितने प्रशिक्षण हैं उत्तर प्रदेश लिखे हुए हैं और सहज लिखा हुआ है, इन प्रशिक्षण को आप धीरे धीरे करके पूरा कर लीजिए। आप प्रशिक्षण कर लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी जानकारी और आपके जो है शिक्षण गतिविधि में बहुत सारा अंतर आ जाएगा, बहुत सारे चार चांद लग जाएंगे। जो आज आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही नहीं हैं, जब आप इन प्रशिक्षण को ले लेंगे तो जो चीज़ें आप भूल गए हैं, जो कौशल आपके अंदर पहले था अब नहीं है, वो सारे कौशल विकसित हो जाएंगे। तो दीक्षा ऐप पर मौजूद ऐसे सारे प्रशिक्षण आप ले लीजिए और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस समय दीक्षा ऐप पर जितने भी प्रशिक्षण मौजूद हैं या आपने जितने भी प्रशिक्षण ले रखे हैं उसमें सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है ये परियोजना आधारित अधिगम। यह कक्षा 1 से लेकर 8 तक है। अगर आप इस प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेते हैं तो आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि दीक्षा ऐप पर मौजूद सारे प्रशिक्षणों में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है जो अब तक आपने ले रखा है या जो लेंगे, उनमें सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। आप ज़रूर इस प्रशिक्षण को ले लीजिए, जब भी आपको समय मिले एक एक भाग करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इस भाग में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे अंतिम भाग जो है, जिसमें आपका आकलन किया जाता है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी जो है भाग को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मैंने यह प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और आप जो है अपने आकलन के प्रश्नों को देख लीजिए क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस वीडियो में जो है मैं उनके उत्तर भी बता रहा हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस प्रशिक्षण को ले लीजिए और आखिरी में जो प्रश्न आ रहा है उन प्रश्नों का उत्तर दे करके आप प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है परियोजना आधारित अधिगम आकलन। यह जो है दीक्षा ऐप पर मौजूद सारे प्रशिक्षणों का बाप है और सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। अब इसमें आपका आकलन किया जा रहा है, आइए देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे। आप इस प्रशिक्षण को धीरे धीरे एक एक करके जरूर पूर्ण कर लीजिएगा, यह प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदेश का इंतज़ार आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आदेश बहुत पहले भी हो चुके हैं और होते रहेंगे, आपके पास पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन आपको जो सामग्री मौजूद है उस सामग्री का अवलोकन आप जरूर कर लें। आइए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि परियोजना आधारित अधिगम, पहले आपको बता दूँ परियोजना आधारित अधिगम क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यानी अगर बच्चों को आप कोई प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, किसी परियोजना पर काम करवा रहे हैं, तो ये प्रशिक्षण उसी पर डिपेंड करता है। परियोजना आधारित अधिगम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन है स्कूली शिक्षा को विभिन्न विषयों के दायरे में रहकर न देखना,
स्कूली शिक्षा का इस्तेमाल बच्चे असल ज़िंदगी में कर सकें, बच्चों को भूतकाल में हुई घटनाओं के माध्यम से भविष्य घटनाओं के लिए तैयार करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, ये चार ऑप्शन हैं। इसमें से आपको क्या सही लग रहा है? मुझे जो सही लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन 1, 2 और 3 ये सही है। मैंने इसका यही ऑप्शन लगाया है और ये सही है, ऑप्शन 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। रोहन कक्षा में तो खाँचों में की जाने वाली जमा घटा आसानी से कर लेता है। खाँचों में की जाने वाली का मतलब ये है कि अगर आपने जो है बॉक्स बना दिया है, ठीक है, लेकिन आज भी वह बाज़ार से सब्जी खरीद कर नहीं ला पाता, वह अक्सर सब्जी के दाम ज़्यादा या कम आता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कारण चुनिए। आप देखिए यहाँ ऑप्शन है, रोहन गणित की कक्षा में ध्यान नहीं देता, रोहन को कक्षा में सिखाया गया लिखित जमा घटाव भी ठीक से नहीं आता, या रोहन अपनी जमा घटा की समझ असल ज़िंदगी की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं कर पा रहा। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3 और तीसरा ऑप्शन ही जो है इसका सही माना गया है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, परियोजना आधारित अधिगम यहाँ दिए गए कौन से कौशलों के विकास में मदद करता है? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर जो है उत्तर दिया गया है, रचनात्मक तरीकों से सोच पाने का कौशल, विभिन्न समस्याओं के हल खोज पाने का कौशल, बहुत सारी जानकारी याद रख पाने का कौशल, या अभिभावकों की मदद से परियोजना में दिए गए सवाल हल कर पाने का कौशल। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस प्रश्न का जवाब गलत दे दिया है। जो 3 टिक दिख रहे हैं 3 नहीं होंगे, पहला और दूसरा ऑप्शन ही इसका सही है, ऑप्शन 1 और 2 इसके सही हैं, और जो मैंने चौथा टिक किया है ये गलत है। तो आप लोग चौथे को टिक मत करिएगा, पहला और दूसरा सही है, रचनात्मक तरीकों से सोच पाने का कौशल, विभिन्न समस्याओं के हल खोज पाने का कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रगति जी अपनी कक्षा में कराई जाने वाली परियोजना के लिए एक मूल सवाल चुनना चाहती हैं। इन्होंने यह मूल सवाल चुनते समय पाठ्यक्रम असल ज़िंदगी से संबंध और बच्चों की रुचि को ध्यान में रखा, लेकिन उन्हें भी इस मूल सवाल को 2 और मापदंडों पर परखना होगा। क्या आप वह 2 सबसे महत्वपूर्ण मापदंड चुन सकते हैं? तो मैंने चुना है, बच्चे अपने अनुभवों से लोगों की मदद ले सकें, मूल सवाल बच्चों को खुद सीखने के मौके दें, बच्चे अपनी समझ को एक बड़े जनसमूह के साथ बांट सकें, बच्चे अपने समाज को गहराई से जानें। तो जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर है पहला और तीसरा ऑप्शन है। मैं भी यहाँ गलत लगा बैठा हूँ, पहला और तीसरा ऑप्शन इसका सही है, बच्चे अपने अनुभवों से लोगों की मदद ले सकें, बच्चे अपनी समझ को एक बड़े जनसमूह के साथ बांट सकें, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता जी ने अपनी 7वीं कक्षा को लोकतंत्र के बारे में समझने के लिए एक परियोजना करने का निर्णय किया। इस परियोजना के लिए उन्होंने कुछ मूल सवाल चुने, वो मूल सवाल क्या थे? आप देखिए इन सवालों में से सबसे अर्थपूर्ण सवाल चुनिए। विभिन्न देशों को तंत्र का विश्लेषण करें और पता लगाएं कि लोकतंत्र क्या है और यह कैसे काम करता है। दूसरा है, लोकतंत्र को समझने के लिए स्कूल की प्रणालियों व्यवस्था को लोकतंत्र के सिद्धांतों पर परखें, साथ ही प्रणालियों को सुधारने के सुझाव दें। अगला है, लोगों से बातचीत करें और पता लगाएं कि वोट करना क्यों जरूरी है, उससे क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जो मैंने लगाया है, और मेरा ऑप्शन सही है। आप भी इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए ऑप्शन नंबर 2 को चुनिएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सभा जी परियोजना कराते समय समूहों में काम करने से कतराती हैं, क्या आप सभा की मदद के लिए कुछ अर्थपूर्ण कारण चुन सकते हैं जिनकी वजह से समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प आपके सामने हैं। इससे बच्चे एक दूसरे के विचारों से सीख पाते हैं और उनकी सोच का दायरा बढ़ता है। इसे कक्षा में पढ़ाना नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे खुद एक दूसरे को खुद पढ़ने में मदद कर देते हैं। इससे शिक्षक बच्चों का आकलन आसानी से कर पाते हैं। इससे बच्चे अपनी समझ के विकास के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो मैंने टिक कर रखा है, पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आप भी पहला ऑप्शन ही यहाँ पर चुनिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी परियोजना के लिए मूल सवाल चुनने के बाद शिक्षिका का दूसरा कदम क्या होना चाहिए?
आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। परियोजना के लिए पठन पाठन सामग्री जुटाना, परियोजना के लिए विभिन्न गतिविधियों की सूची बनाना, यह पता लगाना कि बच्चे कौन सी संकल्पनाओं को जानते हैं और कौन सी संकल्पनाओं पर काम करने की ज़रूरत है, या पाठ्यक्रम से उन संकल्पनाओं के हर बिंदु पर गहराई से विचार करना जिन पर परियोजना में काम किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का वही जवाब है जो मैंने लगाया है, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कविता अपने कक्षा में एक परियोजना करा चुकी हैं, लेकिन परियोजना के अंत में कविता यह समझ नहीं पा रही कि वह परियोजना के उद्देश्यों को पूरा कर पाई या नहीं। ऐसी स्थिति में ये अपने साथी शिक्षकों से सुझाव मांगती हैं। इन सुझावों में से कौन सा सुझाव आपको सबसे उपयुक्त लगता है, चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला सुझाव, परियोजना के अंत में बच्चों की लिखित परीक्षा ले लो। दूसरा सुझाव, परियोजना में किए गए आकलन के अंत में मिले उत्पाद या फलों का परियोजना के उद्देश्यों से मिलान करके देख लो। अगला है तीसरा सुझाव, परियोजना के अंत में अगर बच्चे को अच्छे अंक मिले हों तो आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे परियोजना के उद्देश्य तक पहुंच पाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों, जो मैंने लगा रखा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हरसिमर जी ने अपनी कक्षा में कराई गई परियोजना के अंत में सारांशात्मक आकलन के लिए एक लिखित परीक्षा लेना ठीक समझा, क्या इनका यह निर्णय ठीक है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। प्रश्न देखिए, नहीं, क्योंकि लिखित परीक्षा के दौरान बच्चे डरकर अपनी समझ का प्रदर्शन नहीं कर पाते। या दूसरा, नहीं, क्योंकि परियोजना में सीखे गए कौशलों और मूल्यों का आकलन लिखित परीक्षा की मदद से नहीं किया जा सकता। या तीसरा, नहीं, क्योंकि परियोजना के अंत में किसी बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन करना बहुत बड़ा आवश्यक होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इस प्रश्न का जवाब मेरा गलत हो गया था, इसीलिए मैं ब्लैंक लेकर आया हूँ। अब आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा विकल्प, नहीं, क्योंकि परियोजना में सीखे गए कौशलों और मूल्यों का आकलन लिखित परीक्षा की मदद से नहीं किया जा सकता है। तो आप जो है, जब प्रशिक्षण लीजिएगा तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर 2 चुनिएगा। विकल्प नंबर 2 इसका सही है। और जब आप प्रशिक्षण पूर्ण कर लेंगे तो आपके सामने जैसे हर प्रशिक्षण में लिखता है वैसा ही लिख करके आ जाएगा कि आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, ठीक है। और आपके दीक्षा पोर्टल पर आप जब अपनी प्रोफाइल खोलेंगे तो प्रोफाइल में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और नीचे देखेंगे तो आपका यह प्रशिक्षण के सामने ग्रीन कलर का हरे रंग का टिक लग गया होगा। तो मित्रों, इस तरह से एक एक करके आप दीक्षा ऐप पर मौजूद आपके लिए जो प्रशिक्षण है, जहां सहज लिखा है, उत्तर प्रदेश लिखा है, कस्तूरबा गांधी वाला नहीं करना है, आपको अपना प्रशिक्षण धीरे धीरे करके एक एक करके पूर्ण कर लेना है। क्योंकि ये जो है, सारे प्रशिक्षण पूर्ण करने के आदेश आते रहे हैं लेकिन हम तक आदेश पहुँच नहीं पाए, यही बात रही है। इसलिए आप अगर प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेंगे तो आपकी ग्रेविटी बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे विचार आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन और दूसरे मित्रों को इसे आप शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बड़ा नमस्कार, जय हिंद।